हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम बी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रोज की तरह लाए हैं शब्दावली सीरीज। तो आइए देखते हैं कुछ नए शब्द जो आपके सभी राजभाषा अधिकारी एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस का एग्जाम एनालिसिस किया, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आईबीपीएस एसओ मेंस के एग्जाम में हमने देखा कि किस तरह पुराने पैटर्न से हटकर शब्दावली के क्वेश्चंस जो पहले केवल 4 या 5 आते थे, इस बारी वो 15 क्वेश्चंस आए शब्दकोश से। तो फ्रेंड्स, अब सेबी का एग्जाम है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शब्दकोश से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये शब्दावली सीरीज आपके लिए काफी महत्व रखती है अगर आप सेबी राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस देखें, मैं आपको बता दूं आई एग्जाम बी के सेबी राजभाषा अधिकारी के कोर्स के बारे में। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिस कोर्स पे आपको मिलेंगे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइडेंस। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते समय सेबी 40 का कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल सकता है। फ्रेंड्स, पहला शब्द है यहाँ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई तरीका, व्यवस्था, तंत्र या क्रियाविधि। यांत्रिकी हम कहते हैं मैकेनिक्स को, यंत्र से संबंधी कला और ज्ञान, ये एक ब्रांच है। मैकेनिज्म तरीका या प्रोसीजर या टेक्निक को कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यांत्रिकी बाकी मतलबों से अलग है और मैकेनिज्म का मतलब नहीं बताता है। अगला हम यहाँ पे देखेंगे जो शब्द है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल हम सब जानते हैं, कहते हैं कुछ ऐसे टेक्स्ट को या स्टेटमेंट को जो आगे की बात को इंट्रोड्यूस करता है। दिए गए शब्दों में से प्रस्ताव का अर्थ होता है प्रपोजल या कोई ऑफर, तो प्रस्ताव प्रियम्बल का अर्थ नहीं है। अब अबॉलिशन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे नया शब्द है अबॉलिशन। अबॉलिशन हमें पता है, कहते हैं किसी कानून या प्रथा को ऑफिशियली खत्म करना, इस चीज को हम अबॉलिशन कहते हैं। अब दिए गए ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि निष्कासन का अर्थ अबॉलिशन नहीं होता है, निष्कासन का अर्थ होता है बाहर करना या किसी को हटा देना, या इंग्लिश में बोले तो एविक्शन या रिमूवल। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, निष्कासन। अब यहाँ देखें तो मेजॉरिटी का क्या अर्थ होता है, अधिकांश या ज्यादातर, तो इसमें ऑप्शन ए, सी और डी मेजॉरिटी का सही अर्थ बताते हैं, पर ऑप्शन बी व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत रूप में, या इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्रिहेंसिव। अब यहाँ देखें म्यूचुअल मतलब आपसी या पारस्परिक, तो यहाँ समन्वय का मतलब होता है एक नियमित कर्म या संयोग, इंग्लिश में कहें तो कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ हम विकल्प चुनेंगे ऑप्शन सी, समन्वय। अब यहाँ नोशनल का क्या मतलब होता है, कुछ चीज जो ख्याली है या काल्पनिक है, अगर इंग्लिश में बोले तो हाइपोथेटिकल, या कोई बहुत ही छोटी मात्रा में, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर दिए गए सब शब्द नोशनल का अर्थ बताते हैं, इसीलिए सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी शब्द सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने आज देखा होगा कि हालांकि 6 प्रश्न थे, परंतु हमने ऑप्शंस में दिए गए शब्दों के भी मतलब डिस्कस किए, जो हमें हेल्प करेंगे हमारी शब्दावली बढ़ाने में। हम जब अपने कोर्स की लाइव क्लासेस भी लेते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कभी कभी ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर गलत आंसर चूज कर लेते हैं, इसीलिए वहां भी स्क्रीन पे लिखे हर शब्द का मतलब हम डिस्कस करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है सब शब्दों के मतलब जानकर सही विकल्प चुनने में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में और भी वीडियोस हैं, आप ये सीरीज जरूर देखें, इससे आपको आपके सेबी राजभाषा अधिकारी एग्जाम और आगे भी अन्य कोई भी सिमिलर आप एग्जाम लिखते हैं तो ये सीरीज आपको जरूर मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आपका कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।